वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं वर्ल्ड का इजीएस्ट लच्छा पराठा। अगर आपको सादा पराठा बनाना आता है तो ये भी आप इजीली बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले सब तरफ घी अच्छे से लगा लेना, कोई भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है। देसी घी में बनाएंगे ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये गेहूँ के आटे का है, इसमें हमने मैदा नहीं मिलाया है। रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए या घी। फिर अजवाइन स्प्रिंकल करनी है, ये ज़रूरी है तली हुई चीज़ के लिए। अब जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं, इसको फोल्ड कीजिए। पहले हमने इसे नॉर्मल पराठा ही बनाना है, उसमें से हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ घी लगाइए, हर फोल्ड में घी जैसे हम लगाते हैं नॉर्मल पराठे पे। अब इस पे सूखा आटा लगा के इसको हमने बेल लेना है। बेल के आप जैसे नॉर्मल पराठा बनाते हैं उस तरह से हमने बेल लिया है। अब इस बेले हुए पे एक बार और हमने घी या रिफाइंड ऑयल लगाना है। देसी घी से ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ये मैं पहले बता रही हूँ। तो ये अब घी लगा लिया, अब हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। जितनी ज़्यादा स्ट्रिप्स होंगी उतने ही बढ़िया लच्छे बनेंगे। अब सबसे पहले सबसे छोटी वाली स्ट्रिप को लेना है और उसको हमने फोल्ड कर देना है। फिर इधर से छोटी वाली स्ट्रिप, अब इधर से छोटी वाली स्ट्रिप, और इसको हमने फ्लावर की शेप देनी भी नहीं पड़ेगी, अपने आप बनती जाएगी फ्लावर की शेप। ये देखिए, इस तरह से हमने इनको रोल करते जाना है। देखिए, ये इसके इनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच भी करते जाइए ताकि ये बढ़िया लच्छा पराठा बने। ये देखिए, ये हो गया सारे। हमने अपने आप इसने रोज़ की फ्लावर की शेप ले ली है। अब इसको थोड़ा प्रेस करेंगे, सूखा आटा लगाएंगे हम और इसको बेल लेंगे। बेलने में भी कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं कि लच्छे ख़त्म हो जाएंगे, ये लच्छे ख़त्म नहीं होंगे। जैसे मर्जी आप प्रेस करके इसको बेलिए। बेलने के बाद हमने इसे तवे पे सेक लेना है। जैसे नॉर्मल पराठे को सेकते हैं वैसे ही सेकना है। ये देखिए, दोनों तरफ से सेक रहे हैं, कितने बढ़िया लच्छे अभी नज़र आ रहे हैं इसमें। इधर भी लच्छे आ रहे हैं, बाद में और खुलेंगे ये। ये देखिए, अब इस पे हमने अपना रिफाइंड ऑयल या घी जो भी जिसमें भी आप पराठा बनाते हैं वो लगा दीजिए। अब दूसरी साइड पे भी रिफाइंड ऑयल हमने लगा देना है। आप देख सकते हैं पहले ही लच्छे दिख रहे हैं इसमें। मैं साइड पलट के दिखाती हूँ तो भी लच्छे ही लच्छे हैं इसमें। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ये देखिए, ये देखिए, पकने के बाद लच्छे खुल रहे हैं अपने आप ही। हाथ से मचोड़ना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप लच्छे इसमें दिख रहे हैं। ये देखिए, इधर भी लच्छे ही हैं। ये देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए और घर में लच्छा पराठा बनाकर खाइए।